सेल स्ट्रक्चर अप्लाई करके उन्हें प्रूव करना है। अभी सेल मॉडल वो प्रूव करके देता है, हम तो नहीं प्रूव कर पाते, लेकिन एज बाय अप्लाइंग द पोटेंशियल और उन्हें सॉल्व करते हैं, देन एग्जैक्टली वी गेट द मैजिक नंबर वैल्यू एंड इंट्रोडक्शन वी फाइंड द वाई वी डिफाइन वाई वी कैन नॉट गेट आंसर फ्रॉम लिक्विड ड्रॉप मॉडल एंड दैट आंसर वी गेट फ्रॉम द सेल मॉडल। और उनके हमने एविडेंसेस भी देख लिए थे कि देर आर मेनी एविडेंसेस दैट वी कैन अप्लाई द सेल मॉडल टू फाइंड द मैजिक नंबर्स। और मैजिक नंबर के जो वैल्यूज है जो हमें पता है यहाँ पर कि जहाँ पर हाईएस्ट बाइंडिंग एनर्जी मिल रही है, जो नंबरों के न्यूट्रॉन और प्रोटॉन विच आर इक्वल टू दी 2, 4, 8, 20, 50, 82 एंड 126, दे आर डिफाइंड एज अ मैजिक नंबर्स। अभी एटम स्ट्रक्चर में हम सेल स्ट्रक्चर इजीली अप्लाई कर सकते हैं, न्यूक्लियस एट द सेंटर और वहाँ पर इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में अपने मूव कर रहे हैं, तो उसके अपने ऑर्बिटल मोशन है, उसके अपने स्पिन मोशन से, और वो अबव प्रिंसिपल हम अप्लाई करके बता सकते हैं कि पर्टिकुलर शेल पे इतने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, पर्टिकुलर एनर्जी लेवल पे इतने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, के सेल, एल सेल, एम सेल, उस हिसाब से। वही वहाँ पर कंसेप्ट द पीपल यूज फॉर टू फाइंड द आंसर। और मैंने पहले ही बताया था कि बाय अप्लाइंग दैट वी गेट नॉर्मली 3 मैजिक नंबर से वो आंसर्स मिल जाते हैं, बट सम वॉट डिफिकल्ट इज फाउंड फॉर हायर मैजिक नंबर्स। तो उन्हीं के लिए वहाँ पर अभी डिस्कशन चल रहा है कि भाई कैसे है, तो उनका हिस्ट्री भी मैंने बताया था। फर्स्ट जो 1933 में अप्लाई किया था बार्लेट एंड गुगेनवेयर, उसको ये 3 नंबर तक तो आंसर्स मिल रहे थे, बट उनके बाद के जो कंसेप्ट है दैट वी हैज टू सी। द लास्ट क्लास हमने देखा कि सिंगल पार्टिकल पोटेंशियल हमने लिया कि कोई भी एक न्यूट्रॉन है या तो कोई भी एक प्रोटॉन ले लेते हो और उसके आसपास के न्यूट्रॉन प्रोटॉन का फील्ड कितना लग रहा है उस पर, तो दैट इज डिफाइंड एज अ सिंगल पार्टिकल पोटेंशियल। और वो सिंगल पार्टिकल पोटेंशियल हमने कल देखा था कि हम एक इनफाइनाइट स्क्वायर वेल पोटेंशियल ले लेते हैं, इनफाइनाइट स्क्वायर वेल पोटेंशियल वी टेक दैट। और वहाँ पर हमने देखा कि हमने एज्यूम कर लिया था कि उसका जो पोटेंशियल है इनसाइड 0 है, ओके, एंड आउटसाइड आप देखोगे वहाँ पर उसके पोटेंशियल, तो दैट विल बी इनफाइनाइट, दिस विल बी 0 फॉर इनसाइड एंड आउटसाइड इज इनफाइनाइट। रो पोटेंशियल के वहाँ पर हम सॉल्व करते हैं, ओके, वो डिपेंड रेडियल कंपोनेंट पे है, और रेडियल कंपोनेंट हमें ये फॉर्म में हम डिफाइन करते हैं यू आर बाई आर, और उसको आप सॉल्व करोगे, सेटिस्फाई दैट दिस इक्वेशन, अगर ये इक्वेशंस को आप सॉल्व करते हो, दैट इज अ पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, ये जो टर्म है एनर्जी इक्वल टू, ओके, दैट इज डिफाइंड एज अ दैट इज दिस टर्म प्लस दी पोटेंशियल एनर्जी प्लस सम दिस कॉन्स्टेंट टर्म। तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी हम टोटल एनर्जी डिफाइन करते हैं, और ये कंसेप्ट आप लगाते हो एच आई इक्वल टू ई साई, तो यहाँ पर एक ऑपरेटर ये पूरा रहता है, और यहाँ पर यू टर्म इन टर्म्स ऑफ वेव फंक्शन इक्वल टू ई यू। अब आप उसको ये कंडीशन लगाते हो आर लेस देन आर जीरो, तो वहाँ पर पोटेंशियल जीरो है पोटेंशियल एनर्जी, तो एक काइनेटिक एनर्जी मिल जाता है माइनस एच कट स्क्वायर बाई 2m और ये टर्म प्लस कॉन्स्टेंट टर्म, और उसको आप सॉल्व करते हो तो बेजल फंक्शन मिलता है, और बेजल फंक्शंस के डिफरेंट वैल्यू मिलते हैं, एल पे डिपेंड करता है, और बेजल फंक्शन जो मिल रहा है इसका सॉल्यूशन यू का, दिस सॉल्यूशन इज अ दिस इज द सॉल्यूशन फॉर द अबव इक्वेशन, दैट इज आर रेडियल कंपोनेंट जी एल के आर, और r इक्वल टू 0 होगा तो u 0 मिलेगा, r इक्वल टू r 0 u भी 0, पोटेंशियल वहां पर जो वेव फंक्शन 0 हो जाता है एट 0 एट r 0, मतलब आप ये बाउंड्री देखते हो एट r इक्वल टू 0 और r इक्वल टू r 0, बाउंड्री पे वेव फंक्शन क्या हो जाता है 0 मिल रहा है। तो वही हमें बेजल्स के आप एप्लीकेशन देखोगे बेजल्स के पॉइंट्स पे, तो l की वैल्यू क्या है 0 होगी तो साइन फंक्शन मिल
हेलो फ्रेंड, साउंड आ रहा है आपका? हाँ सर, यस सर। यू गेट हेलो। हेलो हेलो यस हेलो, सर। हाँ आपको साउंड आ रहा है स्टूडेंट्स? हाँ सर। कोई भी रिप्लाई कर सकते हो। यू गेटिंग अ साउंड और नॉट? यस सर। यस सर। ओके 1 मिनट, आप फिर से कोई बोलना। विशाल, आप लेता हूँ, यहाँ पे नहीं आया। कट हो रही है सर वॉइस। कोई बोलना एक बार फिर से। हेलो। हेलो सर। ओके ओके, हाँ ओके, थैंक यू। ओके स्टूडेंट्स, तो एज वी ये डिस्कस कर रहे थे कि जो एल की वैल्यू है 0, तो डिफाइन द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एस पी डी एफ, वो लेवल पे बताते हैं 0, 1, 2, 3, और एन इज दैट विल बी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो कौन सा स्टेट है वो यहाँ से आप बता सकते हो। 1s, 2s, 3s, तो आप वो लग दीजिए 1s। ओके, यहाँ पे 2s आपको स्टेट मिलेगा। द स्टेट इज डिफाइंड 1, दैट इज फॉर 1 फॉर n, s फॉर l। ये 2s स्टेट, वैसे ही आपको 2p, मतलब 1s, 1p, 1d, 1f, 1g, आप उस हिसाब से वो रख दीजिए यहाँ पर। ओके, और यहाँ पर s स्टेट है तो 2 आएंगे मैक्सिमम नंबर, पी स्टेट है तो 6 मैक्सिमम नंबर ऑफ मिलेंगे आपको वहाँ पर पार्टिकल्स, 10 यहाँ पर आएंगे डी स्टेट पे। तो उस हिसाब से आप देखते जाओगे तो पहले 2, 8, 2, 8, 20 इस तरह से वहाँ पे मिल रहे हैं। ओके, और बाकी आप देखोगे तो यहाँ पर मैजिक नंबर प्रूव नहीं हो रहे। तो व्हाट इज द रीज़न दैट, ये रीज़न वहाँ पर था कि एक तो हमने लिया इनफाइनाइट पोटेंशियल लिया था, और उसमें हमने सिंगल पोटेंशियल यूज़ करके कल के हमने थियरी में देखा कि हमें ये रिजल्ट्स मिल रहे हैं, इनफाइनाइट स्क्वायर वेल पोटेंशियल, उनमें सिंपल पोटेंशियल अप्लाई किया था। नाउ वी गो फॉर सम मोर गुड पोटेंशियल, तो उससे हम रिजल्ट देखते हैं कि आ रहे कि नहीं आ रहे आंसर। तो एज वी गो फॉर दिस, नाउ वी टुडे वी कंसिडर 3 डायमेंशन हार्मोनिक पोटेंशियल। ओके, 3 डायमेंशन हार्मोनिक पोटेंशियल। ओके, तो ये कंसीडर करके हम देखते हैं कि इसमें हमें रिजल्ट्स क्या मिल रहे हैं। तो इन द 3 डायमेंशन हार्मोनिक पोटेंशियल, वहां पर हम पोटेंशियल जो डिफाइन करते हैं वी आर, दैट इज 1/2 m ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर, एंड जो फंक्शन है हमारा वो रेडियल डिपेंडेंट है, और हम उसे डिफाइन करते हैं यू आर बाई आर, और स्पेरिकल हार्मोनिक जो है y(lm θ, φ). ओके, और जो इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा था लास्ट, ये यू आर द वो इक्वेशन लिख लेते हैं, -h²² / 2m, दैट इज d² u/dr² प्लस पोटेंशियल एनर्जी हमारा है हार्मोनिक पोटेंशियल, वो रख देते वी जीरो,
that is 1 by 2 m omega square r square plus जो कॉन्स्टेंट टर्म था एल इंटू एल प्लस वन एच कट स्क्वायर बाय टू एम आर स्क्वायर इंटू यू ओके विच इज इक्वल टू ई ओके तो दैट इज काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. वहां पर पोटेंशियल एनर्जी हमारा क्या हो रहा था कल हमने देखा ये टर्म हो रहा था जीरो. यहाँ पर ये कुछ टर्म हमें मिल रहा है. अब इसको आप सॉल्व करोगे एंड यू फाउंड द एनर्जी लेवल्स एनर्जी वैल्यू जो मिलेगा वो आपको मिलेगा ये फॉर्म में 2n प्लस एल प्लस 3 बाई 2 एच कट ओमेगा. ओके ये जो हमारा इक्वेशंस है उसका सॉल्यूशंस आप करोगे और जो एनर्जी मिलेगा वो एनर्जी आप इस फॉर्म में डिफाइन कर सकते हो en इक्वल टू 2n प्लस एल 3 प्लस 3 बाई 2 एच कट ओमेगा. अब उसको आप एनर्जी को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो इक्वल टू 2n प्लस एल को हम कैपिटल एन से रिफर कर देते हैं एन प्लस 3 बाई 2 एच कट ओमेगा. ओके और यहाँ पर स्मॉल एन और एल की वैल्यू आप डिफाइन करोगे तो यहाँ स्मॉल एन होगा 0, 1, 2, 3, 4 और एल की वैल्यू होगी भी 0, 1, 2, 3, 4 दिस वैल्यूज आते और कैपिटल एन जो हमने डिफाइन किया एन इक्वल टू 2n प्लस एल एंड दैट ऑल्सो वैल्यू 0, 1, 2, 3 और उनके हायर वैल्यूज. तो उन्हीं के बीच पे हमें इसका एनर्जी लेवल स्प्लिटिंग देखना है. तो स्टूडेंट्स एज वी स्टार्ट फ्रॉम थ्री डायमेंशन हार्मोनिक पोटेंशियल लेते हो उसका श्रोडिंगर इक्वेशन आप लिखते हो एंड उसका सॉल्यूशन देखते हो तो सॉल्यूशंस में एनर्जी की वैल्यू आपको ये मिलेगी और इस वैल्यू को हम हाँ बोलिए सर ये इक्वेशन सॉल्व करके नहीं सीधा ही लिख देना है. हाँ डायरेक्टली यू हैव टू राइट द सॉल्यूशन. इसको सॉल्व करने रहोगे तो कितना फिर फिजिक्स का इसका समझोगे. हाँ तो एग्जाम में चलेगा. हाँ चले थैंक यू. ओके ये क्वेश्चन किसका था सर काजल. ओके बेन तो बेन तुम्हें यहाँ लिखी सको जो आनु सॉल्यूशंस तुम्हारे जो हुए तो जो ही सको એનું સોલ્યુશન જે મળે તમે લખી શકો. તો ઈ ઇક્વલ ટુ આપ લિખ સકતો દેટ ધીસ વેલ્યુ 2n પ્લસ l 3 બાય 2 h કટ ઓમેગા. ફિર ઉસકા કોન્સ્ટન્ટ વેલ્યુ આપ લે સકતો n ઇક્વલ ટુ n જો વેલ્યુ હે અબ યહાં સે હમારા ઇસકા સમજના હે 2n પ્લસ l. ઓકે કભી ડિફરન્ટ વેલ્યુઝ પે ઉસકી એનર્જી લેવલ્સ હોગા વો એનર્જી લેવલ્સ હમે ફાઇન્ડ કરના હે ઉસકા સ્પ્લિટિંગ હમે ડ્રો કરના હે और फिर कौन कौन से मैजिक नंबर्स मिल रहे हैं वो हमें चेक करना है. ओके ये हार्मोनिक पोटेंशियल हमने कंसीडर किया और हार्मोनिक ऑसिलेटर पोटेंशियल भी कह सकते हो. यहाँ पर अभी हम एन की अलग अलग वैल्यू ले लेते हैं और उस पर हम देखते हैं कि हमें आंसर्स क्या मिलेगा. एन इक्वल टू 2n प्लस एल है. अभी हम कैपिटल एन जीरो कैपिटल एन जीरो कब मिलेगा तो हम कह सकते हैं वैन वो एन पे डिपेंड करता है एल पे डिपेंड करता है. तो पहला टर्म रहेगा व्हेन एन इक्वल टू जीरो एल इक्वल टू जीरो और हमें जो एनर्जी स्टेट जो मिलेगा तो हम यहाँ पे लिख देते हैं एल इक्वल टू जीरो 1, 2, 3, 4 और हायर होगा. ओके एस पी डी एफ जी. ओके अभी एल इक्वल टू जीरो है तो हमें एनर्जी में क्या मिलेगा एक तो एस स्टेट मिलेगा और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है ये जो सॉल्व किया है एन इक्वल टू जीरो लेना है. ओके जीरो को यहाँ रिफर करते हैं क्योंकि कोई जीरो ऑर्बिट तो होता ही नहीं है. आप चाहो तो हम कहते हैं कि ये फर्स्ट ऑर्बिट रहा फिर सेकंड वहाँ पर सेल है फिर थर्ड सेल है. ओके ऐसे भी हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें पता ही है वन से स्टार्ट होता है बट यहाँ पर जो रेफरेंसेस दिया है उसमें एन को जीरो कंसिडर कर रहे हैं. वन मिनट जैसे हम इन्हें ड्रॉ करते हैं कि दिस विल बी द फर्स्ट सेल देन द सेकेंड एंड द थर्ड सेल. ओके इस तरह से रहता है. तो फर्स्ट एन इक्वल टू जीरो तो एस मिलेगा और एन इक्वल टू जीरो आपको वन रिप्रेजेंट करना है एक आगे नंबर लिखना है. तो फर्स्ट एनर्जी स्टेट वन एस मिलेगा वेन एन इक्वल टू जीरो. फिर वो दूसरी वैल्यूज हम देखते हैं कैपिटल एन इक्वल टू वन लेते हैं
एन इक्वल टू वन कब मिलेगा? वेन एन और एल की वैल्यू क्या होगी, एन इक्वल टू, अभी हम देखें इसको जीरो कर दे और एल इक्वल टू वन कर दे, एन इक्वल टू जीरो एंड एल इक्वल टू वन, तो हमें एनर्जी स्टेट उसका मिलेगा। दूसरी कहीं जगह पे मिलेगा एन इक्वल टू वन, इसको हम वन कर देते तो भी नहीं पॉसिबल है, दोनों जीरो करे तो भी नहीं पॉसिबल है, ये एक ही वैल्यू पॉसिबल है। तो आपको एनर्जी स्टेट जो मिलेगा एल इक्वल टू वन है, वन पे क्या स्टेट मिलता है, पी स्टेट। तो पी एन इक्वल टू जीरो, तो उससे आगे का हायर नंबर लिखना है तो वन पी स्टेट, वो सेकेंड एनर्जी लेवल होगा। थर्ड एनर्जी लेवल आप देखोगे एन इक्वल टू टू, तो वो कब मिलता है एन इक्वल टू टू, वैन इस फॉर्मूला में देखिए, एक तो एन को वन रखते हैं, एन इक्वल टू वन और एल इक्वल टू जीरो, एन इक्वल टू वन एल इक्वल टू जीरो, तो आपको कैपिटल एन टू मिलेगा। फिर सेकंड कब मिल सकता है, सपोज हम एन इक्वल टू जीरो रख दे और एल इक्वल टू टू रख दे, तब भी वो मिलेगा, तो उसके दो एनर्जी स्टेट मिलेगा। ओके, एनर्जी सेम एनर्जी मतलब उसी लेवल पे दो वहाँ पर एनर्जी डिफाइंड हो रहे और सेम एनर्जी लेवल है, दैट इज एल इक्वल टू जीरो, मतलब एनर्जी स्टेट क्या मिलेगा, एस स्टेट, और एन इक्वल टू वन, तो हायर स्टेट लिखना है टू एस। एल इक्वल टू टू, तो एनर्जी क्या होगी आपकी, डी स्टेट, और उसका जो होगा सेल दैट विल बी, उसकी एनर्जी लेवल्स होगी, एन इक्वल टू जीरो है तो उसका हायर वन डी स्टेट। ये सेम एनर्जी है, एक ही लेवल पे आ रहा है। ओके, यू कैन राइट दैट एज अ सेम एनर्जी, क्योंकि एन इक्वल टू हमने लिया था टू, उस पर दो स्टेट आ रहे हैं, टू एस एंड वन डी। ओके, अभी आप एन इक्वल टू थ्री ले लीजिए, अब आप बताइए, चलो आप में से बताइए स्टूडेंट्स, कौन कौन से पॉसिबिलिटीज है, एन तीन कब मिलेगा कैपिटल एन इक्वल टू थ्री? एन इक्वल टू थ्री, एन इक्वल टू वन, एन इक्वल टू वन, एन इक्वल टू वन, ओके, टू प्लस वन थ्री, एक ये पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटीज क्या होगी, एन इक्वल टू जीरो, ओके, टू एन प्लस एल, एन इक्वल टू जीरो, ये जीरो और एल इक्वल टू थ्री, तो आपको कैपिटल एन थ्री मिलेगा एंड एल इक्वल टू थ्री, तो इसमें भी दो है, सेम एनर्जी पे दो स्टेट मिल रहे हैं। फर्स्ट आप इसका एनर्जी लिख सकते हो, दैट इज इसका एनर्जी मिलेगा ई इक्वल टू एल वन है तो वन मतलब पी स्टेट, एस पी, एन इक्वल टू वन मतलब एक हायर ऑर्डर लिखना है टू पी, और इसके लिए जो एनर्जी मिलेगा दैट यू कैन डिफाइन एल इक्वल टू थ्री एस पी डी, तो दैट इज डी स्टेट एंड एन इक्वल टू जीरो, तो हायर वन डी स्टेट, तो टू पी एल इक्वल टू थ्री है ना, तो थ्री मतलब एफ आएगा। ओके, तो यहाँ पर ये एफ आप लिख दीजिए एज ए वन एच स्टेट, तो ये भी सेम एनर्जी पर है। ओके, दिस इज ऑल्सो एट द सेम एनर्जी, सेम एनर्जी स्टेट पे भी ये मिल रहा है। वैसे ही आप एन इक्वल टू फोर के लिए चलो फाइंड करिए, वो आपको करना है, एन इक्वल टू फोर कब मिलेगा? ओके, ये आपको यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, एन इक्वल टू दैट यू डिफाइन एज ए टू एन प्लस एल, ये फॉर्मूला है। अब एन फोर कब मिलेगा, एन की कौन कौन सी पॉसिबल वैल्यूज है और एल की कौन सी पॉसिबल वैल्यूज है? एन इक्वल टू फोर, चलो बताइए सर, एन इक्वल टू वन और एल इक्वल टू टू, एन इक्वल टू वन एल इक्वल टू टू, चलो एक स्टेट मिला, फिर और पॉसिबिलिटी है, एन इक्वल टू टू और एल इक्वल टू जीरो,
हाँ, और एक उससे और एक पॉसिबिलिटी कोई मिल रहा है? एनी अदर पॉसिबिलिटीज? कैपिटल एन को फोर कब मिलेगा? एन इक्वल टू वन, एल इक्वल टू टू, एन ओके? इज इक्वल टू 0 एंड एल इज इक्वल टू 4। एन इक्वल टू 0 एंड एल इक्वल टू 4, ओके। तो यह तीन पॉसिबल स्टेट है, तो एनर्जी आप लिख दीजिए उसका क्या मिलेगा। इसका एनर्जी आएगा आपको 0 1 2, मतलब डी स्टेट आएगा, और ये वन है, तो हायर ऑर्डर लिखना है इसका 2D स्टेट। यहाँ पर L इक्वल टू 0 मतलब S स्टेट, और N इक्वल टू 2 उसका हायर ऑर्डर 3S स्टेट, और L इक्वल टू 4, L इक्वल टू 4 मतलब 0 1 2 3 4 FG। तो एनर्जी आएगा यहाँ पर G स्टेट, और हायर ऑर्डर स्टेट होगा 1 1 G स्टेट। ये तीनों सेम एनर्जी पाएंगे, ओके, दैट इज सेम एनर्जी। तो वैसे ही आप एन इक्वल टू 5 के लिए भी आप यहाँ पर सॉल्व कर सकते हो, एन इक्वल टू 5, एन इक्वल टू 6, ओके। इफ यू गो, आपको और आगे देखना है तो एक 5 स्टेट के लिए भी आप वहाँ पे देख सकते हो एन इक्वल टू 5, और उसका आप वहाँ पर चाहो तो उसकी स्प्लिटिंग अभी हम देखते हैं कि उसका स्प्लिटिंग कैसे होगा। तो यहाँ पर हमें ये स्टेट्स मिल रहे हैं 1s 1p 2s 1d, सेम स्टेट पे आ रहा है, सेम एनर्जी स्टेट। देन 2p 1f, देन तीन और स्टेट मिल रहे हैं, दैट इज 2s 2d 3s एंड 1g, ओके। तो उसको हम यहाँ पे उसका स्प्लिटिंग रख देते हैं। तो हमें जो मिल रहा है, हमें कौन कौन से स्टेट मिल रहे हैं उसको हम यहाँ पर स्प्लिट कर लेते हैं, और चाहे तो आप उन्हें, ये जो स्टेट मिल रहा है उसको आप देखोगे यहाँ पर, तो उसका एनर्जी स्प्लिटिंग हम देखें तो पहला स्टेट मिल रहा है जो हमें, फर्स्ट एनर्जी स्टेट आ रहा है 1s स्टेट, फिर आ रहा है 1p स्टेट, ओके। फिर आ रहा है सेम एनर्जी स्टेट पे हमें दो वैल्यूज मिल रहे हैं, दैट इज 2s एंड 1d। तो 1d स्टेट इधर, और उसको 2s, दो स्टेट हमें मिल रहे हैं 2s एंड 1d। फिर आप देखोगे कि दो स्टेट 2p एंड 1f, वो एक ही एनर्जी स्टेट पे मिल रहा है 2p 1f। और हायर ऑर्डर हम देखें, हायर ऑर्डर एनर्जी स्टेट, तो वहाँ पर 2p 1f, उसके बाद आ रहा है 2d 3s एंड 1g। तो वी राइट दैट पार्ट, ओके। 1g मिल रहा है तो उसको यहाँ लिख देते हैं 1s 1p 1d 1g, एंड दैट अदर टू टर्म्स आर 2d एंड 3s, तो 2d एंड 3s स्टेट। और हायर ऑर्डर टर्म्स आप फाइंड कर सकते हो वहां पर, और हायर ऑर्डर्स आप देखोगे यू कैन गेट द वैल्यूज। तो आप चाहे तो एन इक्वल टू 5 के लिए भी देख सकते हो, और उसमें कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स आएंगे वो आप फिलअप कर दीजिए। तो यहाँ पर दो ही होगा, तो 6 स्टेट, यहाँ एस मतलब 2 और डी मतलब 10, तो टोटल 12 स्टेट आएंगे, 12 पार्टिकल्स फिलअप हो सकते हैं इस एनर्जी स्टेट पे। फिर 2p 1f पे दैट पी विल बी 6 एंड एफ विल बी 14, तो 20 पार्टिकल्स। एंड दैट लास्ट 3s 2d एंड 1d, एस मतलब वहाँ पर 2, डी मतलब 10, तो 12 रहेगा, और जी में आएंगे 18, तो 30 यहाँ पर पॉसिबल है। उससे हर ऑर्डर्स में भी आपको वैल्यूज मिलेंगे इस एनर्जी स्टेट पे, ठीक है। तो हायर ऑर्डर एनर्जी स्टेट पे भी आप चेक कर सकते हो। तो इसका हम वैल्यूज देखे कि जब हम हार्मोनिक पोटेंशियल लेते हैं उसका एनर्जी फंक्शन से, हम जो उसका स्प्लिटिंग देख रहे हैं एनर्जी स्टेट पे, तो कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ रहे हैं, तो फिर यहाँ पर 2 2 और 6 मिला के 8, फिर 8 प्लस 12 20, देन 20 प्लस 20 40, 40 प्लस 30 70। तो यहाँ तक तो हम देखे कि भाई ये कुछ रिजल्ट्स यहाँ तक सही मिल रहा है, 2 सही आ रहा है यहाँ पे, 2 8 20, ये मैजिक नंबर्स मिल रहे हैं। ये 40 नॉट गेटिंग अ मैजिक नंबर्स, 70 मैजिक नंबर्स नहीं मिल रहे, तो ये तीन मैजिक नंबर्स यहाँ पे मिल रहे हैं। उससे आगे हायर ऑर्डर्स आप देखोगे तो, और एक यहाँ पर आप देखोगे तो एक और वैल्यूज मिलेगी, वो भी मैजिक नंबर नहीं मिल रहा है।
तो यहाँ पर ये डिस्कशन इतना बता रहा है कि जब हम ये इक्वेशंस बनाते हैं रेडियल वेव फंक्शन और उसमें हाथ जो पोटेंशियल लेते हैं, अभी इसका पोटेंशियल हमने क्या लिया, हार्मोनिक पोटेंशियल लिया, ओके, दिस वी कंसीडर एज अ हार्मोनिक पोटेंशियल। और वो जब आप हार्मोनिक पोटेंशियल लगाते हो और एनर्जी देखते हो कि एनर्जी का स्प्लिटिंग और एनर्जी टर्म किस पर डिपेंड करता है, तो एनर्जी जो सॉल्यूशन मिल रहा है दैट इज डिपेंड ऑन 2n प्लस l प्लस 3/2 h कट ओमेगा। और वहां पर आप इसे डिफाइन कर सकते हो, दिस 2n प्लस n यू कैन डिफाइन एज अ कैपिटल n। और उसके बेसिस पे हमने देखा कि एनर्जी जो स्प्लिटिंग है डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ n के, कैपिटल n का, वो डिपेंड करता है स्मॉल n वैल्यू प्लस l वैल्यू। तो उसी बेस पे हमने देखा कि स्टेट जो मिल रहा है 1s 1p 2s 1d उस हिसाब से हमें स्टेट मिल रहा है 2p 1f सेम एनर्जी स्टेट, एंड बाकी n इक्वल टू 4 पे 3 स्टेट्स वहां पे मिल रहे। तो फिर उसका एनर्जी स्प्लिटिंग हम देखते हैं तो इस हिसाब से उसका स्प्लिटिंग मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर भी जब हमने इनफाइनाइट पोटेंशियल देखा, फिर हमने हार्मोनिक पोटेंशियल लगाया, तो भी तीन मैजिक नंबर्स ही प्रूव हो रहे। कितना फ्रेंड्स प्रूव हो रहे? ओनली 3 मैजिक नंबर्स। तो वहाँ पर और कुछ अप्लाई करना जरूरी लग रहा है कि भाई ये पोटेंशियल से तो हमें नहीं मिल रहा है। ओके, एज वी अप्लाई द इनफाइनाइट पोटेंशियल, इनफाइनाइट स्क्वायर वेल पोटेंशियल, वहाँ पर हार्मोनिक पोटेंशियल ले रहे तो भी हमें 3 टर्म्स, ओके, और बाकी के रेस्ट जो है मैजिक नंबर्स वो वैल्यूज नहीं बता रहे। तो उसका सेम प्रॉब्लम है, ड्यू टू वी कंसिडर इनफाइनाइट पोटेंशियल सो दैट वी कैन नॉट टेक एनी। यहाँ पर ये कंसेप्ट क्या ले रहे हैं कि भाई हमें उससे आंसर नहीं मिल रहा, तो हमें दैट शोज दैट वी कैन नॉट टेक आउट एनी प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस। इनफाइनाइट पोटेंशियल क्या बताता है, वो रियलिस्टिक नहीं है, कोई इनफाइनाइट पोटेंशियल कहीं होता नहीं है, कुछ फाइनाइट पोटेंशियल होता है। जैसे कि आप न्यूक्लियस कहते हो, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटोन है न्यूट्रॉन है, ओके, तो अपना कुछ फाइनाइट पोटेंशियल से वहां पर जुड़े हुए हैं, सम फाइनाइट पोटेंशियल आर देयर इनसाइड दिस न्यूक्लियस। कुछ आप एक्स्ट्रा एनर्जी दे रहे हो तो वो पार्टिकल्स को आप इजेक्ट कर सकते हो न्यूक्लियस से, तो सम फाइनाइट पोटेंशियल, ये हमने इनफाइनाइट पोटेंशियल लिया, वो अनरियलिस्टिक पोटेंशियल है कि हमने उसको इनफाइनाइट पोटेंशियल कर दिया और उससे ट्राई आउट कर रहे हैं। बट If you amount some certain amount of energy, you can take out single proton or single neutron from a nucleus. So now we consider some finite potential. Okay, अभी तक हमने देखा कि infinite potential है. To take out this proton or neutron, we apply some energy E or we get some neutron or proton out from the nucleus. So as we consider the finite potential, then it's some realistic potential लग रहा है. Okay. कुछ रियलिस्टिक पोटेंशियल एनर्जी हम वहां पर अप्लाई कर रहे हैं, तो वहां पर हम फाइनाइट स्क्वायर वेल पोटेंशियल ले सकते हैं। ओके, और वहां पर पीपल ट्राई फॉर द फाइनाइट स्क्वायर वेल पोटेंशियल, फाइनाइट स्क्वायर वेल पोटेंशियल विथ एक्सपोनेंशियल एजेस, उनसे उन्होंने ट्राई आउट किया और एनर्जी वहां पर उन्होंने अप्लाई किया था वो पोटेंशियल लेके भी, तो भी वहां पर एग्जैक्टली इतने मैजिक नंबर्स नहीं मिल रहे थे। जस्ट फॉर योर रेफरेंस मैं बताऊँ, नाउ वी कंसिडर द फाइनाइट पोटेंशियल, एज यू कैन टेक फाइनाइट स्क्वायर वेल पोटेंशियल, ओके, फाइनाइट स्क्वायर वेल पोटेंशियल, और आप वहाँ पर ले सकते हो फाइनाइट स्क्वायर वेल पोटेंशियल विथ एक्सपोनेंशियल एजेस, फाइनाइट स्क्वायर वेल पोटेंशियल विथ एक्सपोनेंशियल एजेस, ओके। तो फाइनाइट स्क्वायर वेल पोटेंशियल तो हमने स्टार्टिंग में देखा, यू नो दैट द फाइनाइट स्क्वायर वेल पोटेंशियल, जब हम न्यूक्लियस लेते हैं विद सम रेफरेंस लाइन और उसका पोटेंशियल एनर्जी माइनस वी नॉट, तो यहाँ पर हम कहते हैं माइनस वी नॉट ये रेफरेंस लाइन, सम फाइनाइट पोटेंशियल्स है यहाँ पर विथ एट रेडियस आर, फाइनाइट स्क्वायर वेल पोटेंशियल। और आप अप्लाई कर सकते हो, यू कैन अप्लाई दिस ऑल्सो, दिस वी वर्सेस आर का डायग्राम, दिस इज वी ऑन द वाई एक्सिस एंड आर ऑन द एक्स एक्सिस। सिमिलरली यू कैन अप्लाई फॉर दिस, के सपोज हम ये एक्सपोनेंशियल एजेस वाला भी आप ले सकते हो वहाँ पर एक रेफरेंस लाइन फॉर दिस एट पर्टिकुलरली, ओके, एंड वी दिस एक्सिस एंड आर ऑन पर्टिकुलर
तो यहाँ पर एक्सपोनेंशियल एडजस्ट वाला भी पोटेंशियल लेके सॉल्व आउट किया था, एंड इस तरह से एक्सपोनेंशियल एज एज पे वो एक्सपोनेंशियली इस तरह से मूव कर रहा है एक्सपोनेंशियली, यू सी फॉर दैट एक्सपोनेंशियली वहां पर उसका नेचर मिल रहा है इन दिस एजेस। तो उसके लिए जो पोटेंशियल डिफाइन करते हैं वो पोटेंशियल भी आप लिख सकते हो कि वो पोटेंशियल जो डिफाइन किया फॉर दिस v इक्वल टू माइनस वी नॉट वन प्लस एक्सपोनेंशियल r माइनस कैपिटल r डिवाइड बाय a स्मॉल a, और वो कांस्टेंट वैल्यू है स्मॉल a, तो उसकी वैल्यू r की वैल्यू तो हम बताइए r इक्वल टू r नॉट a रेस्ट 1/3, और r जो है रेडियल कंपोनेंट, r मतलब वहां पर रेंज, फॉर दिस a कांस्टेंट दिया है वो है 0.52 पर मीटर, ओके, और v जीरो है जो नेगेटिव पोटेंशियल, दैट इज दिस v जीरो, ओके, दैट इज अप्रोक्सीमेटली यहां पर लिया है 50 MeV। और ये पोटेंशियल लेके भी ट्राई कर सकते हो, ओके, कि उनका किस तरह से बाई फाइनाइट पोटेंशियल आप लेके, तो इन दैट ऑर्डर लेवल इज सेम एंड एनर्जी लेवल इज ऑल्सो, वहाँ पर आप देखोगे तो उनके एनर्जी लेवल्स भी वहाँ पर पुल डाउन हो रहे, लेकिन जो मैजिक नंबर्स है उनका आइडियाज यहाँ से भी नहीं मिल रहा बाय अप्लाइंग फाइनाइट स्क्वायर वेल पोटेंशियल और एक्सपोनेंशियल पोटेंशियल। ऑर्डर ऑफ लेवल तो वहाँ पर सेम मिल रहे हैं लेकिन एनर्जी लेवल जो है वो पुल डाउन हो रहा है, मतलब आपको ये फाइनाइट पोटेंशियल लोगे तो ये एनर्जी जो हमने देखा अभी एनर्जी स्प्लिटिंग एज वी सी हियर, तो उसमें थोड़ा उसका जो एनर्जी लेवल का डिफरेंस है उसी में चेंजेस आ रहा है, बाकी तो आपको नंबर्स वही मिलेंगे। अभी ये कॉन्सेप्ट्स और डेप्थ पर हमें देखना होगा कि हमें ये दूसरे मैजिक नंबर कैसे उन लोगों ने प्रूव किए। तो ड्यूरिंग द 1949 जब एटॉमिक फिजिक्स वहाँ पर अभी स्टडी चल रहा था उन दौरान वहाँ पर स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन अप्लाई किया गया था टू स्टडी द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा का स्प्लिटिंग जो आ रहा था फाइन स्ट्रक्चर मिल रहा था, लेकिन वो स्प्लिटिंग क्यों मिल रहा था वो एक वहाँ पर डिस्कशन था इन एटॉमिक फिजिक्स ड्यूरिंग 1949। तो वो जो आंसर मिल रहा था वो ड्यू टू द स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन, ओके, 1949 में देखोगे तो एटॉमिक फिजिक्स में 1949 एटॉमिक फिजिक्स में ये डिस्कशन हुआ है अबाउट द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा और स्प्लिटिंग ऑफ द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा, फाइन स्प्लिटिंग ऑफ हाइड्रोजन एटम, फाइन स्प्लिटिंग ऑफ हाइड्रोजन एटम, वो जो था फाइन स्प्लिटिंग ऑफ हाइड्रोजन एटम वो किससे समझने में आया था, अंडरस्टैंडिंग विद द हेल्प ऑफ स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन, ओके, स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन का कंसेप्ट लेके वो पूरा समझने में आया था कि भाई ये हाइड्रोजन का जो स्प्लिटिंग हो रहा है उसका रिजल्ट जो मिल रहा था ड्यू टू द स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन। अब वही कंसेप्ट न्यूक्लियस पे लेके हमें समझना है स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शंस, एंड आफ्टर अप्लाइंग द स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शंस वो कौन कौन से वैल्यू पे डिपेंड करता है, स्प्लिटिंग कैसा रहता है। यहाँ पर स्प्लिटिंग का कंसेप्ट अभी तक हमने नहीं देखा, हमने देखा कि हम कुछ पोटेंशियल ले रहे हैं, चाहे आप इनफाइनाइट पोटेंशियल ले रहे हो फाइनाइट पोटेंशियल ले रहे हो, उसकी एनर्जी वैल्यूज टर्म फाइंड करते हो और स्प्लिटिंग आप देखते हो, तो आपको 3 मैजिक नंबर्स मिल रहे। बट इन 1949 से ये एटॉमिक फिजिक्स में ये अप्लाई किया गया था, ये जो इलेक्ट्रॉन्स और अपनी स्पिन मोशन भी होता है ऑर्बिट मोशन भी रहता है और उसका इंटरेक्शंस आप देखते हो, तो स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन से फाइन स्प्लिटिंग ऑफ हाइड्रोजन एटम के आंसर्स मिल रहे थे। तो मैंने बताया कि 1949 में ही ये मेरिया मेयर और हक्सल सुएस जेनसन उन सभी ने भी वहाँ पर उसी सालों में ही ये एग्जैक्ट आंसर मिले थे, तो उन्होंने यही स्प्लिटिंग स्पेक्ट्रल स्प्लिटिंग वहाँ पर अप्लाई किया। तो यहाँ पर वो कंसेप्ट हम देखते हैं कि वहाँ पर वो कैसे लिया स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन, ओके, तो उन्होंने लिया कि सम कुछ फंक्शन ले लेते हैं, एट दिस फंक्शन दैट डिपेंड ऑन दिस आर विच इंटरेक्ट विच स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन एंड प्लस
some initial Hamiltonian operator which is equal to H. Okay, the operator here H, which is equal to initial operator plus some this function into spin orbit interaction. That is FR is nothing but a function of R. Okay, and L dot S, that is FR jo consider karo, that will be the function of R. L dot S is a interaction, spin orbit interaction. और ये जो potential ले रहे यहाँ पर, that is a single particle potential, single particle potential. और potential fell by each nucleons. वहाँ पर आप एक nucleons लेते हो, single particle potential हमने starting में ही देखा कि कोई particular nucleons को अलग अलग आसपास के जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, एक सिंगल प्रोटॉन ले तो आसपास के प्रोटॉन न्यूट्रॉन से उसको जो फील्ड लग रहा है उसको कहते हैं सिंगल पार्टिकल पोटेंशियल, और कह सकते हैं पोटेंशियल फेल बाय ईच ऑफ न्यूक्लियॉन्स, पोटेंशियल फेल बाय ईच ऑफ न्यूक्लियॉन्स. ओके, तो ये कंसेप्ट लेके देखा. अभी जो एटॉमिक फिजिक्स है हाइड्रोजन एटम, अब उनका स्प्लिटिंग देखोगे तो वेरी वेरी फाइन स्ट्रक्चर है, लेकिन उसका जो स्प्लिटिंग है स्पेक्ट्रल स्प्लिटिंग इज वेरी वेरी स्मॉल. हाइड्रोजन आइटम आप देखोगे क्योंकि वहाँ पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रहता है, और उसका स्पेक्ट्रल स्प्लिटिंग आप देखोगे, स्पेक्ट्रल स्प्लिटिंग इज वेरी स्मॉल. ओके, बिकॉज ऑफ दैट एनर्जी वहाँ पर है स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो स्प्लिटिंग है वो दिखने में आ रहा है वो स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उतना एनर्जी ऑफ स्प्लिटिंग है. लेकिन अब जब न्यूक्लियस में आते हो, अब न्यूक्लियर एनर्जी तो कैसी है, न्यूक्लियर एनर्जी आप देखोगे तो दैट इज इन MeV, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. और वहाँ पर उसका ऑर्डरिंग देखोगे तो स्पिन ऑर्बिट इंट्रेक्शन हैज बिकम वेरी स्ट्रॉन्ग कंपेयर टू द हाइड्रोजन स्प्लिटिंग. अब देखते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, उसकी जो ऑर्डरिंग हमें चेंज करना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, यहाँ पर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो इसमें जो स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन होगा, अभी हम न्यूक्लियस में ये लगाना है स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन, तो स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन यहाँ पर जो रहेगा, ओके, वो वेरी स्ट्रॉन्गर. ओके, एस टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग. ये एक कंसेप्ट यहाँ पर है कि न्यूक्लियर एनर्जी में हम जब ये लगाओगे स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन, तो यहाँ पर उसकी स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन ज्यादा होगी क्योंकि उसकी वहां पर MeV है, एनर्जी लेवल्स वहां पर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है. तो वी नो दैट द पोटेंशियल फॉर दैट, अभी H0 जो हमने डिफाइन किया, H0 वी कैन डिफाइन इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, दैट ऑपरेटर वी कैन डिफाइन H0 इक्वल टू माइनस H cut square by 2m del square plus dr. Okay, or that is nothing but a central potential, and this commutes with ye jo hai H0, wo commute karega L square. H0 commutes with jo hum quantum mechanics apply karte hai wahan par, to L square Lz एस स्क्वायर एस जेड, उससे वो कॉम्यूट करेगा. ओके, और जब इक्वेशन ए में हम एच लेते हैं ऊपर, जो ये इक्वेशन हमने डिफाइन कर देते हैं वन नंबर, और दिस इक्वेशन डिफाइन एज अ फर्स्ट. ओके, इन इक्वेशन वन उसमें जो एच है, और एच जो है दे डज नॉट कॉम्यूट विथ, डज नॉट कॉम्यूट with LZ and SZ, वो उससे कॉम्यूट नहीं करेगा, LZ और SZ से कॉम्यूट नहीं करेगा, बट इट्स कॉम्यूट विथ, ओके, बट इट्स कॉम्यूट विथ L स्क्वायर एंड S स्क्वायर. ओके, L स्क्वायर एंड S स्क्वायर, और L स्क्वायर यू डिफाइन इन टर्म्स ऑफ L इंटू L प्लस वन H cut square, and S square you define as a S into S plus 1
and that will be h cut square. Okay. तो कंसेप्ट क्या है कि हम स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन लगा रहे हैं. एक फंक्शन है स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन विद सम ऑपरेटर h0 व्हिच डिफाइन एज अ h. तभी वो क्वांटम मैकेनिक्स अप्लाई कर रहे हैं तो h0 बता रहा है कि वो कॉम्यूट्स इन चार टर्म के साथ करेगा एंड h डज नॉट कॉम्यूट. वो इस पे डिपेंड नहीं कर रहा है lz और sz बट इट्स कॉम्यूट विद l स्क्वायर एंड s स्क्वायर. तो ये फंक्शन ये बता रहे हैं उनके ऑपरेटर के बारे में जो उन किसके साथ कॉम्यूट कर रहे हैं. ओके और यहाँ पर हम कहते हैं कि एच इज ऑल्सो कॉम्यूट्स विद जे स्क्वायर एंड जे जेड. ओके तो इक्वेशन ए से हम यहाँ पे बता सकते हैं कि दिस एच इज कॉम्यूट्स और ये आपको पता है जे इक्वल टू एल प्लस एस. ओके तो उसी बेस पे ये इस पे कॉम्यूट करेगा एच इज कॉम्यूट्स विद जे स्क्वायर. ओके एंड दैट ऑल्सो डिपेंड ऑन दी जे जेड. इस पे वो कॉम्यूट्स मिल रहा है वेर जे इक्वल टू एल प्लस एस और उन्हीं के बेस पे ये कंसेप्ट समझना है हमें कि जो टोटल एंगुलर मोमेंटम स्क्वायर है ऑफ द न्यूक्लियॉन्स. ये न्यूक्लियॉन्स के बारे में हम बात करें तो जे स्क्वायर फॉर न्यूक्लियॉन्स इज डिफाइंड एज जे इंटू जे प्लस वन एच कट स्क्वायर और जो जेड कंपोनेंट है जेड कंपोनेंट है दैट डिफाइन एम जे एच कट. ओके और एम जे की वैल्यू किस पर डिपेंड करेगा. एम जे की वैल्यू डिपेंड्स ऑन प्लस जे टू माइनस जे मतलब जे जे माइनस वन एंड माइनस जे. ओके और एम जे इज ऑल्सो डिफाइन एज अ एम एल प्लस एम एस. ओके इफ एल इक्वल टू वन तो हम तीन पॉसिबल वैल्यूज एम एल का मिलता है वन जीरो माइनस वन प्लस वन टू माइनस वन. टू होगा तो प्लस टू टू माइनस टू तो उस हिसाब से आपको स्टेट मिलेंगे 2l प्लस वन 2s प्लस वन और 2j प्लस वन जो आप फाइंड करते हो इन एटॉमिक फिजिक्स. तो उन्हीं के बेस पे यहाँ पर डिस्कशन चल रहा है आगे और l डॉट s है हाउ मच हमें ये फाइंड करना है कि ये कितना एनर्जी कंट्रीब्यूट कर रहा है इसमें. l डॉट s जो है स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन इज हाउ मच l डॉट s हाउ मच l डॉट s कंट्रीब्यूट्स टू एनर्जी. ओके ये कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है इनका इंटरेक्शन स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन. तो एल डॉट एस हमें फाइंड करना है तो आप ये सिंपल सा जो हमारा फॉर्मूला है दैट यू कैन फाउंड एज अ जे इक्वल टू एल प्लस एस और उसको आप जे स्क्वायर फाइंड करोगे तो विच इज नथिंग बट एल स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर प्लस ओके टू इंटू एल डॉट एस और वहाँ से आप देखोगे तो जे स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर बाई टू तो आपको ये जो एल डॉट एस है ओके इन द टर्म्स ऑफ वेक्टर वी राइट जे स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर that is j square minus l square minus s square divided by 2. okay this is in this so l dot s ka jo contribution hai ye teen values pe depend karta hai j square capital l square orbital motion and spin. okay aur uske base pe ye hame dekhna hai ki uska interactions kitna hoga so we go for the checking j hamari value hai j equal to L प्लस एस. ओके इफ L इक्वल टू जीरो और वहां पर पता है S स्पिन मोशन है वन बाई टू. इफ L इक्वल टू जीरो हम लेते हैं तो J हमें क्या मिलेगा वन बाई टू एंड इफ L इक्वल नॉट इक्वल टू जीरो इफ L ऑर्बिटल मोशन नॉट इक्वल टू जीरो तो J की वैल्यू हमारी होगी L प्लस वन बाई टू एंड दूसरे जे की वैल्यू मिलेगी एल माइनस वन बाई टू प्लस और माइनस वन बाई टू दो वैल्यू जे की मिलेगी एल प्लस वन बाई टू
एल माइनस वन बाई टू इफ एल इज नॉट इक्वल टू जीरो. एल जीरो है तो कोई स्प्लिटिंग नहीं होगा. एल इक्वल टू जीरो मतलब एस स्टेट नो स्प्लिटिंग, उसकी वैल्यू कोई स्प्लिटिंग नहीं हो रहा. लेकिन जब एल नॉट इक्वल टू जीरो है तो कुछ स्प्लिटिंग का टर्म हमें आ रहा है, एक एल प्लस हाफ हो रहा है और एक एल माइनस वन बाई टू हो रहा है. ओके तो उसके लिए हमें ये पूरा इंट्रेक्शन एनर्जी फाइंड करना है. तो हम लग पहले हम कंसेप्ट लेते हैं, इफ जे इक्वल टू एल प्लस वन बाई टू ले लेते हैं. और जे स्क्वायर का हमें पता ही है दैट यू कैन डिफाइन जे इंटू जे प्लस वन एच कट स्क्वायर. एल स्क्वायर को हम डिफाइन करते हैं एल इंटू एल प्लस वन एच कट स्क्वायर. और एस स्क्वायर को आप डिफाइन करते हो एस इंटू एस प्लस वन एच कट स्क्वायर. एस इंटू एस प्लस वन एच कट स्क्वायर आप ये अप्लाई कर दीजिए वहां पर ऊपर जो हमारा टर्म है. एल डॉट एस कैसे फाइंड करते हैं, जे स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर बाई टू. यहाँ पर आप अप्लाई कर दीजिए तो यू फाउंड द वैल्यू ऑफ एल डॉट एस. तो एल डॉट एस ओके हम लिखते हैं जे स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर डिवाइड बाई टू. तो यू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, जे स्क्वायर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, एल स्क्वायर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए. ओके एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ दैट. तो जे स्क्वायर जो है दैट यू डिफाइन इन टर्म्स ऑफ एल प्लस एस. और यहाँ पर जे इक्वल टू एल प्लस वन बाई टू है. ओके एंड अप्लाई ये फॉर्मूला ले लीजिए. ओके जे इक्वल टू एल प्लस वन बाई टू. तो एल प्लस वन बाई टू यहाँ पर चाहो तो आप लिखना हो तो लिख लीजिए दैट यू कैन राइट जे स्क्वायर दैट इज जे इंटू जे प्लस वन. ओके एच कट स्क्वायर चाहे तो आप उसे पूरा कॉमन बार ले सकते हो या तो साथ में लिख लीजिए एल इंटू एल प्लस वन एच कट स्क्वायर माइनस एस इंटू एस प्लस वन एच कट स्क्वायर डिवाइडेड बाय दिस टर्म इज डिवाइडेड बाय टू. अब उसको सॉल्व कर लिए, जे की वैल्यू है दैट इज जे इज गिवन एज एल प्लस वन बाई टू वो सब्स्टिट्यूट कर दीजिए. ओके तो यू सब्स्टिट्यूट दैट वैल्यू, जे की वैल्यू क्या होगी एल प्लस वन बाई टू एंड जे प्लस वन एल प्लस वन बाई टू प्लस वन एल प्लस थ्री बाई टू एच कट स्क्वायर माइनस दिस विल बी एल इंटू एल प्लस वन सब लिख सकते हो एच कट स्क्वायर. ओके एंड स्पिन जो है वन बाई टू हम कंसिडर करते हैं तो उनकी जो स्पिन रहेगा एस इंटू एस प्लस वन बाई टू. तो वन बाई टू वन बाई टू प्लस वन दैट इज थ्री बाई टू एंड एच कट स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू. और उसको आप सॉल्व करोगे वहां पर. ओके एज यू मल्टीप्लाई द होल टर्म एल इंटू एल स्क्वायर प्लस एल इंटू थ्री बाई टू एल पूरा आप टर्म वहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे और एच कट स्क्वायर आप कॉमन ले लो तो आपको ये आपको चाहे तो कर लीजिए एल स्क्वायर प्लस दिस एल इन टू एल एल स्क्वायर प्लस थ्री बाई टू एल प्लस वन बाई टू एल प्लस वन बाई टू इंटू थ्री बाई टू दैट इज नथिंग बट वन बाई टू एंड दैट विल बी थ्री बाई टू दैट इज थ्री बाई फोर. एच कट स्क्वायर हम कॉमन ले लेते हैं वहाँ पर इन्हें ब्रैकेट में लग देते हैं. ओके माइनस एल स्क्वायर माइनस एल माइनस थ्री बाय फोर. ओके और हमारा जो टर्म है एच कट स्क्वायर कॉमन डिवाइड बाय टू. तभी जो टर्म कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दो, एल स्क्वायर कैंसिल हो रहा है ये टर्म आप देखोगे तो ये टर्म कैंसिल हो रहा है एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस थ्री बाई फोर माइनस थ्री बाई फोर थ्री बाई टू एल प्लस वन बाई टू एल एल कॉमन लेते हो तो थ्री प्लस वन फोर बाई टू टू एल
ये 2l बन जाता है, 2l माइनस l तो l बचेगा, तो आप देखोगे जो वैल्यू मिलेगी दैट इज l ओके इनटू एच कट स्क्वायर बाय 2। तो j की वैल्यू आपको ये जो मिलेगा दैट इज l एच कट स्क्वायर बाय 2 ओके। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं एल इज सम नंबर हमें आ रहा है ओके, ये उसका यूनिट है ओके, इसका यूनिट देखे तो यूनिट ऑफ दिस और एल इज सम नंबर ओके, एंड एच कट स्क्वायर है दैट इज नथिंग बट एंगुलर मोमेंटम स्क्वायर, ये हमें स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन मिल रहा है एल डॉट एस वैन j इक्वल टू एल प्लस 1/2, ये कंसिडर किया तब हमें ये रिजल्ट मिल रहे हैं, और एच कट स्क्वायर है दैट इज नथिंग बट एंगुलर मोमेंटम स्क्वायर, एंगुलर मोमेंटम स्क्वायर ओके। यहाँ पर हमने ये देखो स्टूडेंट्स की ये देखो अभी आगे कि ये जो हमने लिया वैल्यू j इक्वल टू एल प्लस 1/2 है, तो उस पर जो वैल्यू मिल रही है एल डॉट एस जो मिल रहा है वो हमें कुछ वैल्यू मिल रही है दैट इज एल इंटू एच कट स्क्वायर बाय 2। अभी आप सेकेंड वैल्यू यहाँ पर फाइंड कर सकते हो कि आप j की वैल्यू j इक्वल टू एल माइनस 1/2 है तो आपको एल डॉट एस वैल्यू क्या मिल रहा है दैट यू कैन कैलकुलेट सेम सिमिलर वे। ये वैल्यू ऐसे ही आप रख दीजिए, ये जो फार्मूला है उसमें रख दीजिए जे स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर बाई 2। तो आप उसे सॉल्व करोगे व्हेन जे इक्वल टू एल माइनस 1/2 और एल डॉट एस आप कैलकुलेट करोगे तो यू गेट द वैल्यू ऑफ एल डॉट एस ओके। अभी मैं पूरा वहाँ पे अब सॉल्व करना, वहाँ पे दो स्टेप्स रहेंगे वहाँ पर एंड द लास्ट रिजल्ट आपको मिलेगा माइनस एच कट स्क्वायर बाई 2 एंड द वैल्यू एल प्लस 1, ऐसा वैल्यू मिलेगा। यहाँ पर हमें एल मिल रहा है, एच कट स्क्वायर बाई 2 तो आ ही रहा है, लेकिन ये यहाँ पर जो रिजल्ट मिलेगा वो माइनस एल प्लस 1, ऐसा रिजल्ट मिलेगा व्हेन जे इक्वल टू एल माइनस 1/2। तो हम देख रहे हैं कि जब सेम एल की वैल्यू है, एल की वैल्यू पर है तो दो स्प्लिटिंग मिल रहा है सेम एल पर ओके, द स्प्लिट्स इनटू टू पार्ट्स, द स्प्लिट्स इनटू टू पार्ट्स, दो पार्ट्स में वो स्प्लिट हो रहे हैं और दैट इज डिपेंड ऑन दिस वैल्यू जे इक्वल टू एल प्लस 1/2 एंड जे इक्वल टू एल माइनस 1/2, ये दोनों पे वैल्यू यहाँ पर डिपेंड करती है ओके। तो एनर्जी इज डिफरेंट इफेक्ट ओके, अभी यहाँ पर हम देखे जो उसका इफेक्ट है एनर्जी इज डिफरेंट इफेक्ट, स्प्लिट द एनर्जी इनटू टू पार्ट्स, लेकिन हमारा एफ आर की वैल्यू है जो एफ आर वहाँ पर है वो जो वैल्यू स्टैंडर्ड बता रहे द सॉल्यूशन, एफ आर की जो वैल्यू है जो हमारा स्टैंडर्ड फंक्शन लिया था, ये जो फंक्शन स्टार्टिंग में जो ऑपरेटर हमने ये डिफाइन किया एफ आर इंटू दिस स्पिन ऑर्बिट इंट्रेक्शन एनर्जी एल डॉट एस प्लस दिस टर्म, तो एफ आर की फंक्शन ऑन डिपेंड ऑन आर वैल्यू, और जो एफ आर की वैल्यू जो फाइंड हो रही है दैट वो जो मिल रहा है वो नेगेटिव वैल्यू मिल रहा है, शुड गिव दी नेगेटिव वैल्यू ओके, एफ आर शुड गिव दी नेगेटिव वैल्यू ओके, सम फंक्शन आ देर और उसकी नेगेटिव वैल्यू मिल रही है, therefore j equal to l plus 1/2 जो अब हम लेते ओके और उसका इंट्रेक्शन एनर्जी देखोगे तो एनर्जी गोज डाउन, क्योंकि एफ आर नेगेटिव है और एफ आर इंटू एल डॉट एस है ओके, एफ आर इंटू एल डॉट एस है और j इक्वल टू एल प्लस 1/2 पे हमें क्या मिल रहा था दिस वैल्यू l इंटू एच कट स्क्वायर बाई 2, एल डॉट एस की वैल्यू जो मिल रही है एल इंटू एच कट स्क्वायर बाई 2, तो ये नेगेटिव है एफ आर और ये वैल्यू पॉजिटिव है, तो ये आपको जो एनर्जी टर्म मिलेगा एच के वहाँ पर ये आपको जो मिलेगा वो माइनस, मतलब वो गोज डाउन, टोटल एनर्जी में से वो माइनस होगा एच जीरो माइनस, आप फॉर्मूला देखोगे एच इक्वल टू एच जीरो
plus this term fr into l dot s. ओके तो ये टर्म आपको मिलेगा नेगेटिव. नेगेटिव मिल रहा है मतलब एनर्जी क्या होगा, एनर्जी गोस डाउन. मतलब जो स्प्लिटिंग में होगा जे इक्वल टू एल प्लस वन बाई टू, जैसे हमारा हम स्प्लिटिंग करते ये एनर्जी स्टेट है, उसका स्प्लिटिंग दो पार्ट में हुआ. ओके तो एल प्लस वन बाई टू टर्म वाला होगा वो डाउनवर्ड स्प्लिटिंग में जाएगा, ये स्प्लिटिंग. ओके यहाँ पर वो इफ यू गो फॉर दिस ये स्प्लिटिंग पे वो आएगा j इक्वल टू एल प्लस वन बाई टू. अभी j इक्वल टू एल माइनस वन बाई टू लेते हो उस तब हमारा l डॉट s का जो रिजल्ट आ रहा है वो क्या मिल रहा था, माइनस टर्म मिल रहा है दैट इज h का स्क्वायर बाई टू तो आ ही रहा था और l प्लस वन. आप देखोगे आप सॉल्व करोगे इसको तो यही मिलेगा ये रिजल्ट माइनस h का स्क्वायर बाई टू l प्लस वन. ये टर्म नेगेटिव आ रहा है और फंक्शन एफ आर है वो भी नेगेटिव मिल रहा है. अब इन दोनों का आप देखोगे रिजल्ट तो एफ आर फंक्शन डॉट एल एस वो टर्म आपको पॉजिटिव आएगा. पॉजिटिव आता है मतलब यहाँ पर एनर्जी जो है ए गोज अप. ओके उसका स्प्लिटिंग जो होगा वो ऊपर की ओर जाएगा दिस वे दैट इज फॉर जे इक्वल टू एल माइनस वन बाई टू एंड जे इक्वल टू एल प्लस वन बाई टू. तो ये पूरा कंसेप्ट है कि जब हम स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन लेते हैं तो एनर्जी का स्प्लिटिंग कैसे है वहाँ पर. तो स्प्लिटिंग जो मिल रहा है वो एस स्टेट पे नहीं मिल रहा है. इफ एल की कुछ वैल्यू है तो स्प्लिटिंग मिल रहा है एंड दैट डिपेंड ऑन एल प्लस वन बाई टू वैल्यू एंड एल माइनस वन बाई टू वैल्यू. तो ये जो सोल्व किया गया ऑन द कंसेप्ट लेके किया गया कि भाई हम स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन लेते हैं, कुछ एनर्जी डिफाइन कर रहे हैं, उसका ऑपरेटर डिफाइन कर रहे हैं दैट इज एच इक्वल टू एच जीरो प्लस समथिंग दैट फंक्शन इनटू स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन. लेकिन हमें देख कॉन्सेंट्रेट हमें करना है कि स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन की वैल्यू क्या आ रही है. तो स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन का वैल्यू आप इससे फाइन कर सकते हो दिस यूजिंग दिस फार्मूला दैट इज एल डॉट एस जे स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर बाई टू. वो मैंने बताया कैसे आता है, आप उसको स्क्वायर करके देखोगे तो ये फार्मूला बन जाता है. अब उसी इसको आप सॉल्व करिएगे तो यू गेट टू वैल्यूज, जे इक्वल टू एल प्लस वन बाई टू पे एक वैल्यू मिल रहा है, एल माइनस वन बाई टू पे एक वैल्यू मिल रहा है और स्प्लिटिंग कंसेप्ट आपको समझना है कि उसका स्प्लिटिंग कैसा हो रहा है. तो स्प्लिटिंग पार्ट ये रहता है. अब वही हमें स्प्लिटिंग जो अभी हमने थ्री डायमेंशन हार्मोनिक पोटेंशियल सॉल्व किया उसमें आप स्प्लिटिंग लगाते हो और फिर वहाँ पर उसके कितने वहाँ पर आएंगे, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ न्यूक्लियंस आर प्रेजेंट एट देयर, तो उसके बेस पे और स्प्लिटिंग के बेस पे हम कुछ वहाँ पर आगे फाइंड आउट कर सकते हैं. आप चाहो तो कंप्लीट कर दे आगे का टॉपिक. 236 हुआ है. एनी स्टूडेंट्स सो तो नहीं गए ना भाई. ओके कल रखते हैं, एक घंटा हो चुका है, कल थोड़ा हम इसे रिवाइज करेंगे.